Hello friends, welcome once again. Now almost for 1 week I have not posted any video. That was because I was not in Pune. I had gone to Nagpur. Nagpur mein campus is Sahas. Uske andar we had conducted a 5 days boot camp. Jo ki Athar Pandit is the one who is currently holding that campus Sahas. Aur wahan pe Yashmore sir, maine aur kuch SSS ne milke we conducted a 5 days SSB boot camp. और बड़ा अच्छा लगा एक ओपन वातावरण में. और उससे भी अच्छी बात यह लगी कि जो यशमोर सर, जिनका अपना कोई निजी अनुभव नहीं है असेसमेंट का, बट उनके विचार और जो मेरा जो एफएसपी का अप्रोच टू ट्रेनिंग है उसमें बहुत ज़्यादा एक अलाइनमेंट लगा. एक बहुत ही ऐसे अच्छा एक केमिस्ट्री लगा सर का. एक ओपननेस था उनके अंदर. वो उन्हें अपना रैंक का गरूर नहीं था. ही वॉज ओपन टू आइडियाज, ही विलिंग टू डिस्कस. एंड जो मैं एसएसबी की बात बोलता रहता हूँ कि एसएसबी में देयर आर टू थिंग्स, ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग एंड द पर्सनालिटी टेस्टिंग टूल्स. ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग इज पर्सनालिटी एंड पर्सनालिटी टेस्टिंग टूल्स आर साइक, जीटीओ एंड पीआई. तो सर इवन दो इज नॉट फ्रॉम एन एसएसबी बैकग्राउंड, बट सर का व्यक्तित्व के बारे में समझ और उसके बारे में जो उनका अप्रोच ट्रेनिंग है वो बड़ा एफएसबी ट्रेनिंग के साथ अलाइंड है. इनफैक्ट दैट्स अ रीजन व्हाई आई गॉट अट्रैक्टेड टू सर. और सर के वीडियोज को मैं फॉलो भी करता हूँ. इनफैक्ट आई to come on his channel and conduct a couple of workshop for his students, also for the Sahas camp mein main unke saath judne ke liye billing hua. So bada acha laga and I thank you and appreciate sir's interest that he shown in me and his validation on the process of AFOSUP training. AFOSUP is synonymous to clarity and mujhe bada acha laga ki sir ko ye concept अच्छा भी लगा और सबने उसे ओपनली एक्नॉलेज भी किया. और वो सभी बच्चे जो सर को मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, इफ सर कैन बिलीव इन क्लैरिटी, यू हैव नो रीजन नॉट टू बिलीव इन क्लैरिटी. नो, क्लैरिटी विल ओनली लीड टू एफिशिएंसी इन योर परफॉर्मेंस. इन एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी आपकी दिशा सही नहीं होगी. तो थैंक यू वंस अगेन टू यशमो सर एंड the entire team of SSS who were there and Athar Pandit who organized it so brilliantly. Without Athar's active involvement, that campus would not have been possible. Now, let's talk about service candidates. You know, मेरे पास almost ACC 126 के 20 से ज़्यादा candidates आके जा चुके हैं और एक या दो को छोड़ के I found service candidates में तर्क शक्ति या communications के अलावा एक तर्क शक्ति के बड़ा ही ड्रास्टिक डेफिशिएंसी है. आई एम माइसेल्फ फ्रॉम एसीसी 62 और ये अभी जो बैच है एसीसी 126 का, इनफैक्ट 127 का रिटर्न भी हो गया 1 अगस्त को. वो बच्चे भी आने शुरू हो गए. एंड रीजनिंग एबिलिटी की बात कर रहा हूँ. इसे मदर ऑफ ऑल ओएलक्यूज बोला जाता है एसएसबी में. और ये फैक्टर वन आपकी बुद्धि की क्वालिटी है. इसका फॉर द पर्पस ऑफ डेफिनेशन इट इज द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू ग्रास्प द एसेंशियल्स वेल एंड टू अराइव एट कंक्लूजंस बाय रैशनल थिंकिंग. एक तर्कसंगत सोच के बेस पर किसी निष्कर्ष पर आ पाने की क्षमता. और ये क्षमता का डेफिशिएंसी इज अ मेजर रीजन फॉर ऑल एंट्रीज एंड स्पेशली फॉर सर्विस एंट्री. एंड एसीसी की बात कर रहा हूँ. नाउ रीजनिंग एबिलिटी इंक्लूड्स रिसेप्टिविटी, इंक्वायरिंग एटीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड सीइंग एसेंशियल्स ऑफ ए प्रॉब्लम. मैं यशमोर सर की बात कर रहा था. यशमोर सर इतने सीनियर है और उनका रैंक इतना बड़ा है, लेकिन स्टिल ही इज विलिंग टू लर्न. ही इज सो क्यूरियस टू लर्न. दैट क्यूरियोसिटी इज समहाउ missing in the younger generation and I'm specifically speaking about the service candidates. और मैं इस चीज को आपको explain करने के लिए I'll take this picture. और इस picture के ऊपर एक service candidates का who is currently going through training, I'll not name him. Oh, he has written a story and we'll see how that reasoning जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको कैसे उसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा. And we will have a discussion on that and also I'll request you for feedback. Now if you look at this picture, you can clearly see that there's a young girl who's probably wearing a half sleeve kurta and pajama aur uska behosh hokar padi hai. Hand purse is next to her and one of her sandal is out. Ek paav nanga hai, dusra paav mein wo hai. And there is a car जहाँ पे वो बंदे ने प्रॉबेबली कार को स्टॉप किया हुआ है और या उसको इट्स राइट नाउ नॉट इन मोशन एंड इज कंप्लीटली फोकसिंग ऑन दिस गर्ल.
उसका एक हाथ शायद स्टीयरिंग पे, दूसरा हाथ विंडो के ऊपर है और उसका पूरा फोकस उस लड़की के ऊपर है। सो दिस इज द पिक्चर जिसके ऊपर की सर्विस कैंडिडेट्स ने, एसीसी 126 का कैंडिडेट ने लिखा है। नाउ 126 कैंडिडेट, प्लीज रिमेंबर, आप लोगों को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू आने के लिए भी कुछ टाइम बाकी है, शायद एक महीना डेढ़ महीना बाकी होगा। प्लीज गियर अप, प्लीज डू नॉट एज्यूम कि आपका प्रिपरेशन हो गया बिकॉज यू हैव लर्न टू राइट सम स्टोरीज एंड ब्ला ब्ला ब्ला, दैट्स नॉट द वे इट नीड्स टू बी डन। सो रीजनिंग एबिलिटी, द एबिलिटी टू ग्रास्प द एसेंशियल्स वेल एंड टू अराइव एट कंक्लूजन बाय रैशनल थिंकिंग। सो लेट्स सी इस सर्विस कैंडिडेट ने इस पिक्चर को कैसे ऑब्जर्व किया है एंड उसने कैसे इसके ऊपर अपने रिस्पॉन्स को बिल्ड किया। टीआईटी इज अ टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन, बट दिस इमेजिनेशन हैज टू बी बेस्ड ऑन रियालिटी एंड नॉट बेस्ड ऑन फैंटेसी। सो लेट्स सी हाउ ही हैज रिस्पॉन्डेड एंड देन यू ऑल्सो रिक्वेस्ट टू काइंडली make a response to this and post it here. And once you come for the gap analysis workshop on any Monday or maybe the 5 days gap analysis workshop that we planned, usme jab aaoge 5th of September se, we will cover it there. Now this is the story written by the service candidate ACC wala. He says Prashant was going to college. So Prashant was going to college. Mera first sawal usse tha, kya Prashant wo ladka hai jo car pe baitha? And he says no. I said why? Where is this Prashant? He says, I have brought this candidate from outside. Iska matlab hai, Prashant has been introduced as an external character. This character is not presented in the stimulus by the psychologist. And the car wala person who is sitting there, he is there, but somehow this candidate chose not to use him. I will give you the reason why he did not use it. So Prashant was going to college and he found Rupali was fall enrolled, she was. So language is bad. This boy does not have a reasonable grip on the language skills. So because dekho language kaise likha, Prashant was going to college and he found Rupali was fall enrolled, she was going through by scooty. Very sketchy language. Language needs correction. भाषा में पकड़ नहीं है, भाषा एक माध्यम है अपने विचारों को व्यक्त करने, मेरे विचारों में भी थोड़ा सा गड़बड़ है। नाउ मुझे ये समझ में नहीं आया कि अगर प्रशांत कॉलेज जा रहा था एंड ही फाउंड रूपाली वॉज फॉलिंग रोड शी वॉज गोइंग बाई स्कूटी, तो इस लड़की का नाम कैसे समझ में आया प्रशांत को, बिकॉज प्रशांत ने तो इस लड़की को जब देखा तो फॉलिंग करके बेहोश हालत में देखा, वो भी कैसे स्कूटी से, उसके पास एक स्कूटी भी है जबकि इस पिक्चर में स्कूटी नहीं है, बगल में कार है, पार में ये बंदा देख रहा है। एंड हमारे कैंडिडेट ने बोला है कि ही इज नॉट प्रशांत, सो दैट रेजेस क्वेश्चन। प्रशांत वाज गोइंग टू कॉलेज, सो ही वाज गोइंग टू कॉलेज एंड ही फाउंड रूपाली। हाउ डिड ही कम टू नो दैट दिस गर्ल वाज रूपाली? मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत को एक लड़की को गिरते हुए देखा होगा, ना कि लड़की जिसका नाम रूपाली है। रूपाली नाम इज योर इमेजिनेशन, पर प्लीज अंडरस्टैंड प्रशांत व्हाई ही वाज गोइंग टू कॉलेज, ही डिड नॉट नो दिस गर्ल। सो रूपाली नाम यहाँ पे बजाय की लिखने की बजाय अगर ये लिखते कि वन गर्ल लिखते, दैट वुड हैव बीन बेटर। वाज स्कूटी, नाउ वेयर इज अ स्कूटर? सडनली टायर स्लिप, टायर का स्लिप, टायर का स्पेलिंग गलत है, टायर स्लिप एंड गेट एक्सीडेंट। कहने का मतलब यह है कि दिस गर्ल जिसको कि कैंडिडेट ने रूपाली बोला है, उसका टायर स्लिप हो गया स्कूटर का, स्कूटी का, और एक्सीडेंट हो गया, जबकि वहां पे कोई एविडेंस नहीं है, ना स्कूटर दिख रहा है ना किसी से टकराने का एविडेंस दिख रहा है, बट उसने लिखा है। नेक्स्ट ही राइट्स दी मेनी पीपल गैदर्ड, अगेन ग्रामर भाषा का पकड़ को मैं इग्नोर कर रहा हूं, भाषा इज कंप्लीटली नीड्स इंप्रूवमेंट। दी मेनी पीपल गैदर्ड देयर, बहुत सारे लोग गैदर हुए, अभी भी देखना आप इस कार का रेफरेंस नहीं आया। दी मेनी पीपल गैदर्ड देयर, नो वन वॉज गोइंग नियर हर, बहुत सारे लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हुए लेकिन कोई भी उस लड़की जो कि एक्सीडेंट हो गया था स्कूटी से उसके पास नहीं जा रहा था, मतलब यानी वहां पे जो भी लोग थे सबका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लो था और उनके अंदर कोऑपरेशन सहयोग करने की भावना नहीं थी। इट्स अ टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन, तो इस कैंडिडेट ने ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जो कोई भी इस चीज में नहीं थे। नाउ प्रशांत डिसाइडेड टू गो, तो उसने जब देखा कि वो लड़की स्कूटी से गिर गई है, लोग उसके बगल में खड़े हैं लेकिन मदद नहीं करा, तो प्रशांत ने एक निर्णय लिया टू गो। सो ये प्रशांत का इनिशिएटिव था। ही वेंट टू हर, गेव हर वाटर फ्रॉम बॉटल,
फ्रॉम हिज बैग, तो उसके मैं भाषा को छोड़ रहा हूं, प्रशांत के बैग में पानी था, पानी के बॉटल से प्रशांत ने उस लड़की रूपाली को पानी दिया, छिड़का, जो भी है। नेक्स्ट लिखता एस राम गोस ऑल कम फॉर हेल्प, यहां पे इन्होंने, ये राम है, प्रशांत का नाम अचानक भूल गए और प्रशांत को इन्होंने राम बना दिया, मतलब प्रशांत और राम, कैंडिडेट ने बोला सर एक ही है, लेकिन क्योंकि मेरे दिमाग में वो नाम ध्यान नहीं रहा तो मैंने शुरू में प्रशांत लिखा, लेकिन इस स्टेज में लाके उसका नाम राम चेंज कर दिया। सो कैंडिडेट इज नॉट एबल टू रिटेन हिज ओन थॉट्स एंड इन्फॉर्मेशन, ही इज कंफ्यूज विद इन दैट। एनीवे, सो राम, एज राम गोस ऑल कम्स फॉर हेल्प, कहने का मतलब है ये जितनी भीड़ यहाँ खड़ी थी पहले ये लोगों ने हेल्प नहीं किया, लेकिन जैसे ही राम ऑब्लिक प्रशांत वहां पर गया और लड़की को मदद किया, ऑल कम फॉर हेल्प, यानी कि राम या प्रशांत जो भी है वो उसने लीड किया, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, बड़ा आर्टिफिशियल तरीके से किया है। इसका मतलब है अगर राम ऑब्लिक प्रशांत वहां ना जाते तो वो लोग खड़े रहते, तमाशा हो जाता, बट ये काम नहीं करते मदद वाला, सो दैट्स इनकरेक्ट। एंड प्रशांत एंड ऑल, अभी दोबारा राम बिकेम प्रशांत, सो राम और प्रशांत एक ही कैरेक्टर है, लेकिन लिखने वाला बंदा खुद ही भूल जाता कब राम बनता कब प्रशांत। एंड प्रशांत एंड ऑल गाइस, तो जितने भी लोग थे सब ने मिलके पुट हर, उस लड़की को पुट हर इन कार, किस कार में, नॉट इन दिस कार, मैंने पूछा इस कार में, नहीं सर किसी और कार में, तो ये कार कहां चला गया, ही कुडंट एक्सप्लेन, वी विल सी दैट कार, गो टू हॉस्पिटल एंड गिव हिम या हर फर्स्ट एड दिया, शी विल गेट वेल, शी विल लिखा था, फिर शी गेट वेल एंड राम वॉज हैप्पी, तो गेट वेल तक राम वहीं पे रहा या राम चला गया, क्या लड़की के परिवार वाले आए तो कैसे आए, कैसे पता चला, ऑल दोज डिटेल्स आर मिसिंग। गेटवेल एंड राम वर हैप्पी एंड गो टू कॉलेज एंड शेयर ऑल फ्रेंड्स, सारे दोस्तों को बताता है। सो द लैंग्वेज इज बैड बट मोर देन दैट द आइडिया इज नॉट क्लियर, इट इज लैकिंग कॉन्ग्रुएंस, समझ में नहीं आ रहा घटनाओं का क्रम को। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसमें जो कहानी लिख रहा है, इस कहानी में एक्सटर्नल कैरेक्टर को लाया प्रशांत को और ये कार के कैरेक्टर को उड़ा ही दिया। It was much more easier for this man to respond to this rather than bringing an external character. Secondly, picture के जो elements को correctly observe नहीं किया, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इन्होंने पहले तो कार को निकाल दिया, स्टोरी में कार को ही पूरा निकाल दिया, प्लस उसके साइड में एक स्कूटर को गिरा हुआ कर दिया, कार को आउट कर दिया, स्कूटर को इन कर दिया, और उसके अलावा भीड़ इकट्ठा कर दिया, और वो भी ऐसी भीड़ जो मदद नहीं करने वाला भीड़, और उसके बीच से एक प्रशांत को लेके आया जो कि कभी कभी राम भी बन जाता प्रशांत भी, और पूरी कहानी एक उस कैरेक्टर के ऊपर चढ़ाया जो कि इस पिक्चर में ना दिखाया, ना तो इस पिक्चर में भीड़ दिखाया और ना इस पिक्चर में प्रशांत को दिखाया, और जो कार वाला बंदा उसे आउट ही कर दिया। सो अन ऊपर से स्कूटर भी लेके आ गया, और ये नहीं पता चला इसको कार में लेके जाकर डाला तो स्कूटर का क्या किया, क्योंकि स्कूटर तो पीछे पड़ा हुआ था। सो देयर आर लॉट ऑफ लूज एंड्स, दिस इज अ रिस्पांस बाय सर्विस कैंडिडेट, इट डेफिनेटली रिक्वायर्स लैक ऑफ क्लैरिटी एंड तर्क शक्ति नहीं है। तो अभी आप जब देखोगे तो इस कहानी को पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा इस पिक्चर के ऊपर कहानी लिखा हुआ, और इस पिक्चर में ये सब लोग बेकार के लोग हैं और सिर्फ प्रशांत है जो एक्ट करता है। सो दिस इज नॉट एन एक्सेप्टेबल स्टोरी, देयर इज द पिक्चर हैज नॉट बीन कॉम्प्रिहेंडेड करेक्टली, इट हैज नॉट बीन करेक्टली एनालाइज, द परसेप्शन हैज बीन फॉल्टी, द एटीट्यूड टुवर्ड्स द जनरल सोशल पब्लिक इज रॉन्ग, क्योंकि ऐसा एक इमेज बना दिया कि लोग एक दूसरे को मदद नहीं करते, एंड द स्कूटर हैज बीन आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द पिक्चर, Prashant has been brought as an external character, whereas the character who is in the car has been completely ignored. So all that makes it an unacceptable story. दोबारा एक बार इसको पढ़ सकते हो। Prashant was going to college and he found Rupali was falling road. She was going by scooty. Suddenly tire slip and got accident. The many people gathered. There was no one was going near her. Prashant decided to go and he went to her, gave her water from bottle from her bag as Ram goes, all comes for help, and Prashant and all guy put her in car, go to hospital and give her first aid. She will get well, and Ram were happy and go to college and share all friends. Grammar, verbosity, clarity, lack of clarity, lack of observation, poor perception, everything is wrong.
मुझे जरूर बताना क्या समझ में आया। अगर आपको ये समझना पड़ेगा कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट का असेसमेंट है, इट इज नॉन इंटरैक्टिव एंड नॉन इंटरवेंशन। आप कुछ भी लिख दो और उम्मीद कर लो कि साइकोलॉजिस्ट आपकी बात को समझ लेगा, इस भ्रम को ठीक करो। यू मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड योर कम्युनिकेशन बिफोर साइकोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड्स इट। ये बात मैंने बहुत बार बोला, अनलेस यू हैव इंटरनल क्लैरिटी यू कैनॉट गेट एक्सटर्नल क्लैरिटी। सो अगर आप भी साइक टेस्ट असेसमेंट के लिए करना चाहते हो और मेरे से उसका असेसमेंट करवाना चाहते हो वीडियो बेस्ड रिकॉर्डिंग, तो यू कैन व्हाट्सएप मी एट 9090099035। तो आप मुझे बताना कि कैंडिडेट को जब ये पिक्चर दिखाया, सर्विस कैंडिडेट को, इस पिक्चर को अंदर जाने के बाद कैंडिडेट ने इस पिक्चर को ऐसा क्यों परसीव किया, और ऐसा परसेप्शन के पीछे इस कैंडिडेट के बारे में साइकोलॉजिस्ट क्या इमेज बनाएगा। और ये जो रीजनिंग एबिलिटी का जो बेसिक डेफिनेशन है, द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू ग्रास्प द एसेंशियल्स वेल एंड टू अराइव एट कंक्लूजन्स बाय रैशनल थिंकिंग। तो ये कैसे आप मदर ऑफ ऑल एल्क को जस्टिफाई करोगे, ये मुझे बताना कि जो पिक्चर दिया था और जो पिक्चर कैंडिडेट ने इमेजिनेशन में देखा, इतना मतभेद क्यों आ गया। सो दिस नीड्स टू बी करेक्टेड। 2 weeks AFOCP कॉम्पोजिट बैच ऑफलाइन हर मंडे को पुणे में शुरू होता है। And if you wish to register for the next one, you can call me or WhatsApp me at 9090099035. और जरूर इस वीडियो के ऊपर अपना कमेंट्स डालना, खासकर ACC 126 वाले, because आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए, the object of testing is personality and the testing tools are psych, GTO and interview. This was one of the tools, TAT, जिसमें कि आपने इतना deviant रेस्पॉन्स दिया है। आई एम श्योर दिस मस्ट बी हैपनिंग विद अदर कैंडिडेट्स ऑल्सो, तो मुझे जरूर बताना कि क्या समझ में आया। एंड जो साहस बूट कैंप में जो बच्चे हैं, अगर उन्होंने भी इस वीडियो को देखा है तो इस वीडियो के ऊपर भी कमेंट डालना, और साथ ही साथ जो साहस का एक्सपीरियंस था स्पेसिफिकली मेरे साथ इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी दैट आई गॉट यू नो गेव यू, उसके ऊपर मुझे जरूर कमेंट डालना। एंड In case you wish to contact me for classes, these are the two numbers on which you can contact: 9090099035 and 7798647177. Is dono number ke upar contact karna. Khaskar service entry, please do not take it for granted. Just because aapne bahut sare 30-40 kahaniyan rat liya, that's not what SSB is looking for. So please be serious, and all candidates who wish to get 100% clarity, you're most welcome to contact me on these two numbers. Thank you, and may God bless you. Thank you very much.